तुम जाओ, मुझे अंकल से बात करनी है। हेलो अंकल, देख लिया आपने कुदरत का कानून? मेरे पापा को इंसाफ हासिल करने के लिए हशर तक का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। उनकी बेटी उन्हें इंसाफ दिलाकर ही रहेगी। मेरे पापा को आपने फंसाया था ना, आपकी वजह से वो इस दुनिया से चले गए। आपको क्या लगा था आप बच जाएंगे? आपके खिलाफ सबूत इकट्ठे कर लिए मैंने, बहुत से गवाह भी मिल गए मुझे। आपको क्या लगा था आप बच जाएंगे? लेकिन देखिए, किस्मत, आप कहां छुपे बैठे थे, कैसे आपको ढूंढ कर निकाला और लाकर मेरे कदमों में फेंक दिया। मेरा दिल चाहता है कि आपको इस व्हील चेयर समेत सड़क पर ले जाऊं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी। आप नहीं जानते हैं पापा को, वो बहुत जिद्दी हैं। अगर वो अपनी जिद पे आ जाए तो फिर वो किसी भी खुशियों की परवाह नहीं करते। उन्होंने जिंदगी में कभी मेरी खुशी की परवाह नहीं की अपनी जिद के आगे। उन्हें अपनी जिद और अपनी आना बहुत प्यारी है। मैं तो बस पापा का नाम चलाने वाला एक वारिस ही हूं, इसके सिवा शायद कुछ भी नहीं। सोनिया, कासिम, क्या हुआ कासिम, उठे ना, कासिम, आप लोग अंदर नहीं आ सकते, यहाँ वेट करें। ये सब क्या हो गया बात से? कुछ नहीं होगा पापा को, आप परेशान मत हो। ये सब मेरी गलती है, मेरी नाराजगी की वजह से उन्होंने दिल पर बोझ ले लिया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। नहीं कासिम, आप यूं बीच रास्ते में छोड़कर नहीं जाएंगे मुझे। इतनी बड़ी सजा आप मुझे नहीं देंगे। हानिया, कहाँ थी तुम? मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रही हूँ। बासिल भाई की कॉल आई थी मुझे, वो तुम्हें कब से फोन कर रहे हैं? तुम उनकी कॉल क्यों नहीं अटेंड करी? फिर तुम्हें मैसेंजर बना के भेज दिया उसने। तुम्हें शर्म नहीं आती है अमर? बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है जबरदस्ती दूसरों के मामलों में घुसते हुए? कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से। हानिया, कासिम अंकल इस वक्त हॉस्पिटल में,
पासे भाई बिल्कुल अकेले हैं, उन्हें तुम्हारी जरूरत है, तुम चलो मेरे साथ। क्या हुआ है कासिम को? हॉस्पिटल में क्यों है? उन्हें हार्ट अटैक आया है। ओह, हाउ सैड। हानिया, मैं जा रही हूँ, तुम चलो मेरे साथ। वो अकेला नहीं है वहां पे अमर, तुम्हारी मामा है ना सपोर्ट करने के लिए, साथ देने के लिए। इस वक्त तो उसे एहसास होना चाहिए था कि शायद उसकी एक बीवी है, उसकी बीवी को शायद ज्यादा जरूरत हो सकती है, लेकिन उसे तो एहसास ही नहीं है। मैं कहीं नहीं जाऊं। आने नहीं आए भाई, वो सो रही थी, मैंने इस हालत में उन्हें जगाना मुनासिब नहीं समझा, लेकिन वो आ जाएंगी। मामा प्लीज आप परेशान मत हो, कासिम अंकल ठीक हो जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब, पापा कैसे हैं? इन्हें हार्ट अटैक आया है, हमने फौरी ट्रीटमेंट शुरू कर दिए। आप लोग परेशान ना हो, बस दुआ करें उनके लिए। हार्ट अटैक, ये सब मेरी वजह से हुई। ऐसा नहीं है मामा, ऐसा ही है। मुझसे लड़ते रहते थे, मैंने अकेला छोड़ दिया तो खुद से लड़ना शुरू कर दिया। सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, मेरी गलती है। नहीं मामा, ऐसा नहीं है, प्लीज प्लीज हौसला करें, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, हौसला करें बस।